आज के एपिसोड में हम जिस बंदे की बात करेंगे वो बंदा मतलब 3-4 सालों से लोगों को चुना लगा रहा है एंड उसने बराबर हमारे जो सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स हैं उन्हें यूज किया अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, फेक न्यूज फैलाने के लिए। एंड सोशल मीडिया तो है ही आजकल फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं मामा जी की बात नहीं कर रहा हूँ ना ही उनके लोगों की, तो कृपया करके नाराज मत होइए। मैं बात कर रहा हूँ 22 साल के ड्रोन प्रताप की और प्रताप NM और साइंटिस्ट प्रताप। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज देखेंगे। सबसे पहला कि प्रताप NM साइंटिस्ट प्रताप और ड्रोन प्रताप NM कैसे बने। दूसरा, उसने जो आज का जो सो कॉल्ड न्यूज चैनल है वो सोशल मीडिया है उसको कैसे अपने लिए बराबर तरीके से यूज किया। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आप और हम कतई मूर्ख हैं। तो इन 3 सवालों का जवाब शायद वीडियो के एंड होते होते आपको मिल जाए। तो वीडियो को ज्यादा डिले ना करते हुए, हेटेड ना फैलाते हुए, मावा जी के नाम पे लेट्स स्टार्ट द शो। तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, पहले से ही लोग COVID-19 को लेके बहुत परेशान है और हमारी सरकार तो COVID-19, चाइना, फ्लड, गोल्ड स्मगलिंग केस, ये जो MLA हैं जो हर बार दल बदली कर देते हैं वो, और अब तो नेपाल भी आ गया है, इन सभी को लेके परेशान। सभी लोगों के सहयोग की वजह से हमने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया है। भाई मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ लोगों को बात की गहराई अभी तक समझ नहीं पड़ी। मावा जी ने तो बोला था आत्मनिर्भर बनो, समझते क्यों नहीं हो यार। पर कर्नाटक के 22 साल के ड्रोन प्रताप और प्रताप NM इस बात को बराबर समझ गए और 22 साल की उम्र में बन गया आत्मनिर्भर। भाई ने 600 ड्रोन्स बना लिए। कितने? 600 ड्रोन्स। और भाई के हिसाब से 87 कंट्रीज ने भाई को जॉब की ऑफर्स दी। कितने? 87 कंट्रीज ने। और फ्रांस की एक कंपनी है, उन्होंने 16 लाख का मंथली पैकेज दिया। 16 लाख का मंथली पैकेज प्लस 5 BHK हाउस ऑल्सो। पर भाई ने ठोकर मार दी क्योंकि वो चाहते थे मेक इन इंडिया और दूसरे विदेशी कंपनी के साथ में काम नहीं करना चाहते। और इसके ऊपर DRDO ने PM मोदी कहने की वजह से प्रताप NM को DRDO में जॉब ऑफर की है। इतना कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भर हो गया प्रताप NM। प्रताप NM के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले अपना ड्रोन 2017 के टोक्यो एक्सपो में दिखाया, मतलब यहाँ यूं कहें उन्होंने हिस्सा लिया, और जहाँ पे उन्हें गोल्ड मेडल्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। 2018 जर्मनी एक्सपो की भी कुछ ऐसी कहानी है प्रताप NM के हिसाब से, और अपने ड्रोन से गांव के लोगों की बहुत मदद की ऐसा वो बोलते हैं। जब 2018-2019 के बीच में कर्नाटक में फ्लड आया था, जब बाढ़ आई थी, उन्होंने अपने ड्रोन से मेडिसिन पहुंचाया, खाना पहुंचाया और बहुत सारे कपड़े पहुंचाए। तो ये पूरी कहानी आपको और हमको बहुत सही लगी, तो हमने क्या किया, हमने सोशल मीडिया पे बवाम शेयर कर दिए। भारत का 22 साल का लड़का जिसने ठुकराया 16 लाख विदेशी कंपनी का, और हमारे सो कॉल्ड मीडिया हाउस वाले हैं उन्होंने भी छाप दिया, लिख दिया जो लिखना है, जो बोलना है, विदाउट फैक्ट चेक की। और ये बात है 2019 के एंड और 2020 के स्टार्टिंग की। पर भाई अपना ड्रोन प्रताप ने एक गलती कर दी, उसने कर्नाटक के एक न्यूज चैनल सुवर्णा न्यूज चैनल को इंटरव्यू देके और फंस गया। और इसके बाद OP इंडिया, ऑल्ट न्यूज, इन सभी ने इसकी जांच पड़ताल करी, फैक्ट चेक किया, एंड गेस व्हाट, भाई अपना भाई से बड़ा निकला। जिस इवेंट की प्रताप NM बात कर रहे हैं, जर्मनी हो गया, टोक्यो हो गया, जो एक्सपो की बात कर रहे हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रताप NM का कोई नाम नहीं है कि उन्होंने ऐसा बताया कि प्रताप NM को उन्होंने उनके ड्रोन के लिए गोल्ड मेडल दिया है या सर्टिफिकेट दिया है। 600 ड्रोन छोड़ो बाबा, उन्होंने अभी तक जो एक ड्रोन दिखाया है ना वो भी जर्मनी कंपनी का है, एंड जर्मन की कंपनी ने अब उन्हें लीगल नोटिस भेजा है कि बाबा हमारा ड्रोन किसे दिखा दिया। एंड जब इंटरव्यू में, सुवर्णा इंटरव्यू में प्रताप NM से टेक्निकल क्वेश्चन किए गए, तब उनका गला सूख गया। एंड भाई बोलते हैं कि मैं आपको मेल कर दूंगा मेरे जो सर्टिफिकेट्स है एंड डॉक्यूमेंट्स जो है। प्रताप NM का ये डायलॉग सुन के मुझे नायक मूवी का वो सीन याद आ गया, अनिल कपूर अमरीश पुरी वाला। DRDO वाली बात प्रताप NM ने खारिज कर दी, चलो एक बात तो मानी भाई ने, पर उनके हिसाब से वो जिस प्राइवेट कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी DRDO के साथ जुड़ी हुई है। एंड आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे कि DRDO की जॉब का क्राइटेरिया क्या है, या तो आपका साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आपने इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए, और अगर आप बाय चांस वहाँ पे जॉब करते भी हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट की जॉब के लिए, तो आपको
अराउंड लाइक 3 से 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर अपने ड्रोन प्रताप को तो 87 मुल्कों की कंपनी जॉब ऑफर कर रही है 16 लाख। अब इस फेक न्यूज को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका? एक तो सो कॉल्ड जो अपने न्यूज चैनल्स हैं, जो बिना फैक्ट चेक किए रीचेक किए कुछ भी छाप देते हैं, बोल देते हैं। दूसरा आप और हम लोग, जो कभी भी नहीं सोचते हैं कुछ भी शेयर करने से पहले इसे रीचेक कर ले कि ये सही है या गलत। जब तक हम किसी भी चीज की सच्चाई को बिना जाने शेयर करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे, ऐसा होता रहेगा और इसे ड्रोन प्रताप जैसे लोग हमें हमेशा बनाते रहेंगे। थोड़ा सोचो समझो फिर रिएक्ट करो। सो यार दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट एंड होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो एंड करने से पहले हर बार की तरह एक शायरी जो कि मेरी नहीं है, वसीम बरीवली साहब की है, और उन्होंने बहुत खूब कहा है ये फेक न्यूज या जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हीं के बारे में। तो अर्ज किया है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। देखते रहिए डीएमसी गुड्डू शो। टिल देन दिस इज राहुल सलीम साइनिंग आउट।